नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं पीआर टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है द ब्रांड न्यू किया सेल्टोस में आपको दिखाने वाला हूं। बकेट फुल ऑफ फीचर्स के साथ आता है, कंप्लीट जानकारी जो है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इंटीरियर लुक्स, एक्सटीरियर लुक्स, इंजन परफॉर्मेंस, लास्ट में आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो ये रहे व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है और ये रहा कार जिसका नाम है किया सेल्टोस GTX प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट। डीजल वेरिएंट में आपको दिखाने वाला हूँ। मेनली फ्रंट प्रोफाइल ही काफी अट्रैक्टिव है, ध्यान खींच लेता है दोस्तों। तो वहां पर जाके क्या क्या है एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर जो है किया का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलता है। क्रोम फिनिश का लाइन्स जो है यहाँ से वहां तक उस तरफ हेडलाइट तक जाता है दोस्तों, ये काफी बढ़िया है। एंड सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है, ग्रिल भी काफी शानदार है। और मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो है फ्रंट पार्किंग कैमरा आपका अवेलेबल है, वो काफी बढ़िया है। GT लाइन का ब्रांडिंग ग्रिल के साइड में आपको अवेलेबल है। सेंटर पार्ट के बारे में बात करेंगे तो नंबर प्लेट का सेक्शन, दोनों साइड्स में पार्किंग सेंसर्स फ्रंट की तरफ, एंड यहां पर सेकेंडरी ग्रिल, कंप्लीटली नीचे 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। ओवरऑल फ्रंट का लुक जो है क्रोम फिनिश के साथ काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं व्हीकल के लाइटिंग सिस्टम के बारे में। 4 chamber लाइटिंग सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों, काफी स्टाइलिश लुकिंग के साथ आता है, जिसका नाम है क्रोम जुअल LED हेडलैम्प्स है दोस्तों, काफी अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ आता है। नीचे आपको आइस क्यूब फॉग लैंप्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड मेनली इसका अट्रैक्शन ये है कि DRLs जो है यहाँ से सेंटर तक कंटिन्यू होते हैं दोस्तों, ये काफी आइकॉनिक फीचर जैसा आपको मिलता है। एंड लाइटिंग सिस्टम जो है यू गेट द बेस्ट लाइटिंग सिस्टम आपको इस व्हीकल में मिलता है। एंड टेल लैम्प प्रोजेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी हार्ट बीट LED टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं। फुल LED लाइटिंग सिस्टम आपको इस व्हीकल में अवेलेबल है। लाइट्स के बारे में कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रेट परफॉर्मेंस आपको मिलता है। बात करते हैं टायर्स के बारे में, इस व्हीकल में आपको 17 inches ट्यूबलेस टायर्स विद क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट एंड बैक यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलता है, जिसका फीडबैक जो है काफी ग्रेट है। एंड सस्पेंशन जो है काफी बढ़िया सा सस्पेंशन आपको इस व्हीकल में मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा टायर्स के बारे में। तो चलो अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पर आपको बढ़िया सा अलॉय व्हील्स, एडिशनल एक्सेसरीज काफी बढ़िया है इस व्हीकल के लिए। ऊपर जो है बढ़िया सा विंडस्क्रीन एंड उसी के साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स भी है। साइड में आपको ऑटोमेटिक का बैचिंग यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो, एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल साइड मिरर्स, नीचे आपको ब्लाइंड स्पॉट कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है। एंड उसी के साथ इस व्हीकल का साइड क्लैडिंग जो है अमेजिंग है दोस्तों, व्हील क्लैडिंग के साथ आता है बढ़िया प्रोटेक्शन के लिए। एंड सी पिलर के ऊपर बोस का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलता है, जिसका म्यूजिक सिस्टम जो है बोस म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। सी पिलर से ए पिलर तक क्रोम फिनिश का हाईलाइटिंग जो है अमेजिंग लुक देता है। ऊपर जो है एंटीना एंड रूफ राइट्स, सनरूफ का व्यू जो है आपको मिलता है। एंड इस व्हीकल के कलर वेरियंट जो है इंटेंस रेड है दोस्तों, और 8 options है एंड 5 dual tone options भी आपका अवेलेबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट कम्प्लीटली बैक प्रोफाइल के बारे में। ऊपर जो है एंटीना यहाँ पर आपको मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प देख सकते हैं, क्यूवो स्मार्ट कनेक्टिविटी आपको मिलता है, जिससे आप क्रिकेट स्कोर भी पूछ सकते हैं कार चलाते समय, वॉइस असिस्टेंट जैसा है। एंड बैक रेयर वाइपर यहाँ पर आपको मिलता है। किया का ब्रांडिंग जो है इस क्रोम फिनिश के हाईलाइटिंग के ऊपर सेंटर में आपको अवेलेबल है, तो इस तरह का लुक देता है। एंड नीचे जो है आपको नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, एंड रेयर पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड रियली इस व्हीकल का कैमरा क्लैरिटी जो है काफ़ी अल्टीमेट है, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। एंड उससे पहले बैक की प्रोफाइल को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करते हैं। लेफ्ट साइड में Bharat 6 का बैचिंग यहाँ पर आपको मिलता है, सेल्टोस का ब्रांडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट साइड में GT लाइन का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको राइट की तरफ मिलता है। यहाँ पर बम्पर के ऊपर ड्यूअल मफलर डिजाइन यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया सा अट्रैक्शन ग्रैब करता है दोस्तों बम्पर जो है। नीचे आपको जो है स्किड प्लेट एंड उसी के साथ एग्जॉस्ट टेल पाइप यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ओवरऑल बैक का प्रोफाइल जो है काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ आता है। तो चलिए अब बात करते हैं बूट के बारे में। इस व्हीकल का बूट कैपेसिटी जो है 433 liters है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर पार्सल ट्रे अवेलेबल है, लेफ्ट साइड में जो है बूट लैम्प यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट साइड में वूफर यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ आता है। बोस का स्पीकर है, वूफर आपको मिलता है। एंड इस पैनल के नीचे एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील, टूल्स, एक्सेसरीज, व्हीकल के रिलेटेड सारे एक्सेसरीज जो है यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। एंड आपको स्टोरेज और भी इंक्रीज कर सकते हैं, रेगुलरली 433 liters आता है। एंड इस तरह स्टोरेज 60x40 स्प्लिट सीट्स को यूज करके और स्टोरेज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा व्हीकल के बूट के बारे में, काफी बढ़िया सा स्पेशियस बूट आपको इस व्हीकल में अवेलेबल है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। ये व्हीकल जो है 14.2 फीट लेंथ है, 5.11 फीट विड्थ है, 5.5 फीट हाइट है एंड उसी के साथ 1361 केजीस का कर्ब वेट है एंड 190 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये रहे व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में। स्क्रीन के ऊपर आप लिस्ट देख सकते हैं और भी मैं आपको बताऊंगा। 73% हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है दोस्तों। 6 एयरबैग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है एंड इस व्हीकल के मेजर फीचर्स जैसे कि ABS, EBD, BA, ESP, TCS ये सारे फीचर जो है काफी कमाल के परफॉर्मेंस के साथ आपको फीडबैक मिलते हैं। बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। 17.8 kmpl का माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है 50 लीटर के डीजल फ्यूल टैंक के साथ। तो चलिए रेयर पैसेंजर डोर को ओपन करके देखते हैं। डोर का व्यू जो है इस तरह का मिलता है दोस्तों। तो चलिए वहां पर कंप्लीटली जाके एक्सप्लोर करते हैं। नीचे आपको बढ़िया सा स्पेस मिलता है इस व्हीकल के डोर्स के अंदर, बढ़िया सा वाटर बॉटल स्टोर कर सकते हैं एंड राइट की तरफ हैंडल बार के ऊपर लेदर फिनिश का स्टिचिंग्स भी काफी बढ़िया है एंड उसी के साथ बोथ इंफोटेनमेंट का स्पीकर मोड लाइटिंग भी अवेलेबल है एंड डोर अनलॉकिंग करने के लिए क्रोम फिनिश के साथ लीवर यहाँ पर आपको मिलता है। ड्यूअल लेदर का फंक्शन जो है डोर के ऊपर भी काफी बढ़िया सा लुक देता है एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड इस व्हीकल में बैक की तरफ रेयर कर्टन्स अवेलेबल है डोर्स के लिए, इस तरह आप यूज कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं एंड तो चलिए कैबिन के अंदर जाते हैं। उससे पहले नीचे आपको मेटल स्कफ प्लेट के ऊपर सेल्टॉस का ब्रांडिंग अवेलेबल है दोस्तों एंड सीट्स के बारे में बात करेंगे तो स्पोर्ट्स लेदर सीट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्यूबलर डिजाइन के साथ। ऊपर 3 हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड मिडिल में इस आर्मरेस्ट को ओपन करेंगे तो ट्विन कप होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है। इसे यूज करके 2 जने जो है लग्जरी के साथ चल सकते हैं और 3 जने जो है कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेदर सीट्स है, आरामदायक कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इस व्हीकल में लेग रूम, नी रूम, हेड रूम काफी स्पेशियस है, बढ़िया सा बैक कैबिन यहाँ पर आपको मिलता है रेयर पॉकेट्स के साथ एंड सेंटर में एयर प्यूरिफायर, 2 AC वेंट्स, नीचे आपको 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट एंड ऊपर आपको रीडिंग लाइट, ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो चलिए ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर भी बढ़िया सा स्पेस यहाँ पर आप डोर के अंदर आप देख सकते हैं एंड उसी के साथ इस व्हीकल का लेदर स्टिचिंग जो है मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया है। आरामदायक सीट्स आपको मिलते हैं एंड सारे व्हीकल के पावर विंडो का कीज जो है यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, साइड मिरर्स के भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं एंड बोस इंफोटेनमेंट का सिस्टम यहाँ पर, स्पीकर यहाँ पर आपका अवेलेबल है एंड ऊपर जो है आपको ट्विटर एंड उसी के साथ डोर अनलॉकिंग करने के लिए लीवर यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहे डोर के ऊपर फीचर्स के बारे में। तो ये रहे डोर के ऊपर फीचर्स के बारे में। कैबिन के अंदर जाने से पहले नीचे आपको 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पर आपको मिलता है जिसे आप कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं एंड लेफ्ट की तरफ बोले तो डोर के साइड में आपको टाई प्रेशर डिटेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यहाँ से आप डिटेल्स जान सकते हैं एंड ऑटोमेटिक वेरियंट है, इस वजह से 2 ही पेडल्स है एंड ड्राइवर के राइट की तरफ आपको AC वेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। नीचे आपको सब कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, पुश इग्निशन बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एंड ऑन बटन, व्हाट्सएप डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्राइटनेस, ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल है। तो चलिए कैबिन के अंदर जाके देखते हैं। ये रहे व्हीकल के कीज मेरे हाथ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड सामने जो है 3 स्पोक का इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यहाँ पर आपको मिलता है लेदर फिनिश के साथ, काफी बढ़िया सा ग्रिप यहाँ पर आपको मिलता है। सेंटर में आपको किया का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल है, नीचे एयरबैग का इंस्ट्रक्शन, लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल्स, राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड क्रूज कंट्रोल्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है एंड स्टीयरिंग के बॉटम में GT लाइन का ब्रांडिंग भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस व्हीकल में 3 स्क्रीन्स अवेलेबल है। पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के स्क्रीन के बारे में बात करेंगे तो 7 इंचेस का कलर इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा आपको स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है, सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, फ्यूल वार्निंग, रेंज, ड्यूअल ट्रिप मीटर, आउटसाइड टेम्परेचर एंड अपना टाइप प्रेशर डिटेल्स, कंपास है, क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। दोनों तरफ जो है आपको एनालॉग मीटर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको मिलता है, लेफ्ट साइड टेम्परेचर एंड राइट साइड फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है। बात करते हैं सेकेंड स्क्रीन के बारे में, डिस्प्ले है। इसका मैकेनिज्म को देख के एंजॉय कीजिए दोस्तों, मैं आगे इसका फंक्शन में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप छोटे से स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म जो है काफी बढ़िया हाईटेक फीचर जैसा आपको फील होता है। तो दोस्तों ये रहा हेडसअप डिस्प्ले के बारे में, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा हेडसअप डिस्प्ले एंड उसी के साथ स्टीयरिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड में इंडिकेटर कंट्रोल्स यहाँ पर, हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और एक बात बतानी थी, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अगर आप लेफ्ट साइड इंडिकेटर डालेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड का व्यू यहाँ पर आपको मिलता है, राइट साइड डालेंगे तो राइट साइड का व्यू यहाँ पर आपको मिलता है। टर्निंग लेते समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आपको व्यू मिल जाता है, ये काफी बढ़िया है।
अब बात करते थर्ड स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इस वेकिन में आपको 10.25 इंचेस का बढ़िया सा इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। टच रिस्पॉन्स जो है काफ़ी एक्यूरेट है, मेरे को ये फीडबैक जो है काफ़ी पसंद आया है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूएसबी, ऑक्स, एफएम रेडियो, फोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूवो कनेक्टिविटी है जिससे आप 50 कमेंट्स जो है इसे आप पूछ सकते हैं, जिससे अगर आपको क्रिकेट स्कोर पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लाइटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको अवेलेबल है एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको सारे फीचर्स, टच रिस्पॉन्स जो है काफी कमाल है, यूज करने में अपना स्मार्टफोन यूज करने का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलता है। दोस्तों ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है काफ़ी अल्टीमेट है, आप जो है नेविगेशन भी अच्छी तरह कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी अच्छी तरह पा सकते हैं। डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो ड्यूअल टोन डैशबोर्ड यहाँ पर आपको मिलता है, लेदर स्टिचिंग के साथ यहाँ पर आपको फील होता है। दोस्तों सेंटर में हैजर्ड लाइटिंग का स्विच, 2 AC वेंट्स क्रोम फिनिश कैसेंस के साथ, नीचे आपको कंप्लीटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है। सेंटर में जो है आपको डिस्प्ले में अपना टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं एंड इस व्हीकल का कूलिंग सिस्टम जो है काफ़ी कमाल है, इंस्टेंटली कूल कर देता है। नीचे USB पोर्ट्स एंड चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर आपका अवेलेबल है एंड ये रहा 6-speed ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन एंड इसी के साथ यहाँ पर जो है हिल होल्ड असिस्ट के बटन के साथ आता है, शिफ्ट लॉक रिलीज या ये बटन यहाँ पर आपका अवेलेबल है। वेंटिलेटर सीट्स आपको मिलते हैं फ्रंट की तरफ एंड बैक पार्किंग कैमरा असिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पर व्यू बटन मिलता है, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। ये रहा मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड ये आर्मरेस्ट जो है यही प्यूरीफायर है एंड इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आर्मरेस्ट के बारे में एंड ये रहा एयर प्यूरीफायर के बारे में। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, बढ़िया सा फ्रेश एयर आपको अवेलेबल है कैबिन के अंदर ये प्रोवाइड करता है एंड इसमें आपको परफ्यूम फीचर भी अवेलेबल है, कार को जो है फ्रेश रखता है। तो दोस्तों ये रहा एयर प्यूरीफायर के बारे में एंड उसी के साथ डैशबोर्ड का लुक जो है इस तरह मिलता है। नीचे आपको कोल्ड ग्लोब बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है जिससे अपना स्टोरेज रख सकते हैं एंड ये रहा कंप्लीटली डैशबोर्ड के लुक के बारे में एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेनिटी मीटर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं सनशेडर्स के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इस तरफ टिकट होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है। सेंटर पार्ट के बारे में बात करेंगे तो सनग्लासेस होल्डर एंड उसी के साथ रीडिंग लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड सेंटर में सनरूफ का बटन यहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो मैं ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का लुक। थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, 1-touch इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पर आपको इस व्हीकल में अवेलेबल है, बढ़िया सा कैबिन का व्यू जो है बढ़ता है। तो दोस्तों ये रहा सनरूफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं व्हीकल के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये व्हीकल जो है 1.5 लीटर CVR-DI डीजल इंजन के साथ आता है दोस्तों, 1493 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट है, 13 का हॉर्स पावर आपको मिलता है, 250 Nm टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है, 6-speed ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, 0-100 11.8 seconds में कैच कर लेगा, काफ़ी अल्टीमेट पावर एंड पिकअप यहाँ पर आपको इस व्हीकल से मिलता है दोस्तों, BS6 इंजन के साथ आता है। तो दोस्तों ये रहा व्हीकल के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए इंजन का आवाज़ किस तरह होता है चलिए सुनते हैं। तो ये रहा इंजन के साउंड के बारे में एंड इस व्हीकल में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स है, तो चलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस करके बात करते हैं। तो दोस्तों अब तक जो है आपको कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दे चुका हूं, अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों व्हीकल को चलाने से पहले सेफ्टी फर्स्ट सीट बेल्ट लगाते हैं, तो ये रहा मैं सीट बेल्ट ले चुका हूं, तो ये रहा लगा चुका हूँ एंड इस व्हीकल में आपको 6 different मोड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन मोड चेंजर व्हील यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर जो है ड्राइव एंड ट्रैक्शन का मोड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा एंड इस व्हीकल को इस मोड्स को यूज़ करके आप जो है यहाँ पर आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड नॉर्मल मोड मिलते हैं एंड उसी के साथ ट्रैक्शन पे ऊपर बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड। तो दोस्तों ये रहे मोड्स के बारे में। तो दोस्तों इस व्हीकल में आपको काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों, उसके साथ हेडसअप डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको मिलता है, जिससे आप जो है चलाते समय नीचे की देखने का अवसर जो है वो कम होता है दोस्तों, डायरेक्टली आप स्क्रीन के ऊपर देखते ही आप चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हेडसअप डिस्प्ले में भी आपको किलोमीटर्स पर आवर स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको मिलता है एंड उसी के साथ अगर आप मैप्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस भी आपको दिखाएगा, नेविगेशन है, कंपास है, ये सब कुछ बढ़िया सा बोस इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है, जिससे आपको बेस एंड क्लैरिटी जो है काफ़ी टॉप नॉच यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों व्हीकल को चलाते हैं। आप गाड़ी फ्रंट की तरफ चलाते समय भी आपको पीछे कौन आ रहा है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मेनली व्यू बटन यहाँ पर आपको मिलता है नीचे,
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यू बटन पे प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑफ हो जाता है, अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए व्हीकल को रिवर्स लेके चलाते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मोड्स इसमें आते हैं। तो ये रहा, मैं टर्न कर चुका हूँ, काफ़ी ईजी है दोस्तों। लाइट स्टीयरिंग यहाँ पर आपको मिलता है जिससे आप जो है अच्छी तरह टर्न्स ले सकते हैं, व्हीकल को भी अच्छी तरह चला सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का व्हीकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड रिवर्स लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव एक्सिस यहाँ पर आपको मिलता है, एंड उसी के साथ अच्छी तरह रिवर्स ले सकते हैं दोस्तों। तीन मोड्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट मोड्स, आपको दोनों साइड्स में कौन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। कम्प्लीटली बैक यहाँ पर आपको कौन सा मोड है वो आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा बैक व्यू कैमरा के बारे में। तो चलिए व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड में डाल के चलाते हैं दोस्तों, व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड में डाल के व्हीकल को चलाते हैं। काफ़ी इजी पिकअप यहाँ पर आपको मिलता है, एक्सेलरेशन जो है काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सा व्यू यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, ईजीली आप चला सकते हैं, ईजी टू हैंडल स्टीयरिंग भी यहाँ पर आपको मिलता है, इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों इस व्हीकल का स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट वेट है, एंड आप अच्छी तरह स्पीड जो है इजीली इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके साथ इस व्हीकल में कैबिन नॉइज़ जो है काफ़ी कम है, आपको बाहर का साउंड जो है वो अंदर नहीं सुनाई देता है, मगर स्पोर्ट्स मोड में इंजन का आवाज़ काफ़ी कमाल का हॉर्स पावर की जैसा आपको सुनाई देता है। एंड टर्निंग्स भी अच्छी तरह ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा दिखता है व्हीकल, अंदर से चलाने से काफ़ी कमाल का कंफर्ट यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। इंस्टेंटली पिकअप यहाँ पर आप पा सकते हैं दोस्तों, 6 ड्राइविंग मोड्स है, सब कुछ आप एक्सेस करेंगे तो ये कार जो है काफ़ी अल्टीमेट आपका एसयूवी बन जाता है। तो दोस्तों ये रहा किया सेल्टॉस का कंप्लीट रिव्यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड उसी के साथ सनरूफ भी है दोस्तों ऊपर जो है, काफ़ी बढ़िया सा व्यू आपको कैबिन का व्यू यहाँ पर आपको मिलता है, बोले तो वेंटिलेशन जो है अच्छी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह का लुक जो है यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। काफ़ी बढ़िया सा कैबिन आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट टू एंटरटेनमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अल्टीमेट है। तो दोस्तों ये रहा किया सेल्टॉस का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों ये रहा द ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस कंप्लीट रिव्यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ के लिए। इसी तरह नए नए वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक मैं हूँ आपका पियाटेक साइनिंग आउट।